मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता उमा भारती ने आज महोबा पहुंचकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने अखिलेश के बयान पर निंदा करते हुए कहा कि राजनीति में अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना अखिलेश यादव को एक बार फिर भारी पड़ने वाला है। उमा भारती ने हाल ही में प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के अयोध्या काशी के बाद मथुरा की बारी वाले बयान को उनका व्यक्तिगत बयान बताया। अयोध्या मथुरा काशी की जो भी भूमिका होगी वो पार्टी जो तय करेगी वो होगा, बाकी आस्था का विषय है, सबकी आस्था का विषय है। और उनने किस संदर्भ में ये बयान दिया है इसका जवाब वही देंगे। हम सबका तो आस्था का विषय है और एजेंडा सेट करने का जो काम है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के तय करते हैं या विश्व हिंदू परिषद के लोग तय करते हैं।